सबका राम राम। मंच पर विराजमान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय, सहकारी बैंक के अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकगण और सभी मंच पर विराजमान सभी आदरणीय मेरे वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्तागण, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी अधिकारीगण, मंच पर विराजमान सभी मेरे सम्मानित आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, भाइयों और सभी पत्रकार बंधुओं, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी बड़ी संख्या में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप सुनने के लिए आए हैं, पर मुझे मंच पर बुलाया गया है प्रभारी मंत्री के नाते, इसलिए दो बातें करना चाहती हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि कमलनाथ जी जैसे व्यक्तित्व को आप सब ने इस प्रदेश का मुखिया बनाया, इस प्रदेश का सरपस्त बनाया, जिनके मन में हर वर्ग, हर क्षेत्र के व्यक्ति के लिए विकास की गंगा बहाने का संकल्प उन्होंने लिया है, जो एक साल के अंदर वो पूरा करते आ रहे हैं। पंद्रह सालों की जो सरकार ने इस प्रदेश को जो जर्जर हालत में छोड़ के गए थे, जिस तरह से अंग्रेज भारत को छोड़ के गए थे और इस देश को जर्जर हालत में छोड़ा था, वैसा ही प्रदेश हमारे तथा कथित मामा जी शिवराज सिंह जी ने इस प्रदेश को छोड़ के गए। इन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से अंग्रेज भारत को जर्जर हालत में छोड़ के गए थे, ऐसे ही शिवराज मामा ने इस प्रदेश को जर्जर हालत में छोड़ के गए। खजाना खाली और घोषणावीर ने घोषणाएं इतनी करी कि इस प्रदेश में एक भी धेला उस घोषणाओं के लिए नहीं रखा। ऊपर से हमारे नाना जी, मोदी नाना जी, जिनने पहले ही बजट में 2700 करोड़ इस प्रदेश का काट लिया, जो कि संविधान के अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधानिक रचना की थी, जिसमें केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के अपने कर्तव्य और अपने अधिकार होते हैं, उन कर्तव्यों को दूर हटाकर इस प्रदेश की जनता को जो भेजना था पैसा केंद्र से, जो हमसे टैक्स के रूप में वसूल करके ले जाते हैं, उसी पैसे को वापस भेजना था, उसमें 27,000 करोड़ की कटौती कर दी। दूसरे बजट में 20% की कटौती कर दी। और तो और, ये ऊपर वाला भगवान आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनी तो इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ कि उसने खुशी के जो आंसू बहाए उससे पूरा प्रदेश लबालब हो गया, पानी से भर गया, खेत भर गए, रोड़े खराब हो गई, गरीब के मकान टूट गए और इस प्रदेश में 16,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इन 16,000 करोड़ के नुकसान में केंद्र सरकार को अपना कर्तव्य निभाना था, अपनी जवाबदारी निभानी थी। मांगा था 7,000 करोड़, मिला 1,000 करोड़। अब 1,000 करोड़ और ये प्रदेश, चाहे सड़क बनवा लो, चाहे कर्जा दे, मुआवजा दे दो, इन विपरीत परिस्थितियों में आदरणीय कमलनाथ जी जैसे नेतृत्व, जिनका 40 साल का अपना इतिहास इस देश की राजनीति में बड़े बड़े विभागों को संभाले हुए, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे मनमोहन सिंह जी के साथ बड़े बड़े विभाग संभाले, ये उन्हीं के दम की बात थी, ये उन्हीं के बूते की बात थी कि इस प्रदेश को विपरीत परिस्थितियों में भी साल भर के अंदर उन्होंने हर चीज की इस प्रदेश में, चाहे किसान कर्जा माफी हो, चाहे मुआवजा देना हो। ये पहली सरकार है कि जिसने खेत में फसल खड़ी और मुआवजा वितरण किसानों को किया, ये कभी नहीं हुआ। मुझे खुद 25-30 साल इस राजनीति में हो गए, लेकिन पहली बार देखा कि सरकार ने किसान के खेत में फसल खड़ी और मुआवजा वितरण किया। हम धन्यवाद करते हैं इस मंच के माध्यम से कि उन्होंने उन दुखी पीड़ित लोगों के आंसू बहाए, आंसू जो बहे थे उनको पोंछने का काम किया। सिर्फ धार के अंदर प्रथम चरण में धार जिले में विभिन्न तहसीलों का अगर हम जोड़ लगाए तो 59,416 किसानों का प्रथम चरण में कर्जा माफ हुआ, जिसमें राशि
223.92 करोड़, मतलब 224 करोड़ रुपया पहले चरण में माफ हुआ। अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो इसमें कम से कम 18,976 किसानों का कर्जा माफ हुआ, जिसमें राशि बनती है 134.33 करोड़। तो ये कुल मिला के 200 और 300, 350 से पौने 400 करोड़ का सिर्फ एक जिले के अंदर ये कर्जा माफ हुआ, जो कि एक इतिहास है, ऐसा कभी नहीं सुना था। लेकिन शिवराज मामा के जमाने में आपने देखा कि प्रधानमंत्री बीमा योजना में जिलों से करोड़ों रुपया वसूली की, जो जेब में गया निजी संस्थाओं के ऊपर। लेकिन अगर कर्जा, अगर मुआवजा राशि दी गई तो मात्र 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए। ये पहली सरकार है, क्योंकि हमें नेतृत्व ऐसा मिला जो एक व्यक्ति में तीन खूबियां बहुत मुश्किल से मिलती है। अच्छे कारपोरेटर हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और अच्छे राजनीतिक हैं। ये तीन चीजें एक व्यक्तित्व में बहुत मुश्किल से मिल रही है, और यह हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश को ऐसा व्यक्तित्व मिला है, जिन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी की सरकार विजन की सरकार है, टेलीविजन की सरकार नहीं। इसलिए हम टेलीविजनों में कम दिखते हैं, दूरदृष्टि लगाकर क्षेत्रों में ज्यादा दिखते हैं, कामों में ज्यादा दिखते हैं, काम धरातल पर दिखते हैं। मैं बधाई देती हूं भाई सुरेंद्र को कि आज उन्होंने जो यहाँ शिलान्यास और भूमि पूजन की जो एक बार लोकार्पण की, काश हम लोग के एरिया में भी हो जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि नर्मदा नदी जो हमारी जीवन रेखा है, मेरा खुद का क्षेत्र भी नर्मदा नदी के किनारे है, आदिवासी बहुल इलाका है, चाहे वो झाबा ले लें, चाहे धार ले लें, चाहे मेरा खरगोन जिला, बड़वानी जिला, आदिवासी अभी भी बहुत जगह बारिश की खेती के ऊपर निर्भर है। आदिवासी सिंचाई सुविधा चाहता है, बड़े किसान तो दो दो चार चार पांच पांच किलोमीटर से नर्मदा का पानी ला सकते हैं, लेकिन आदिवासी जिसके पास 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा जमीन है, वो चाहता है कि पानी उसके खेत तक पहुंचे। और मैं समझती हूं कि हमारे विकास पुरुष आदरणीय कमलनाथ जी ये कर सकते हैं। मैं अपने क्षेत्र के लिए भी गुजारिश करूंगी कि नर्मदा मैया का पानी आदिवासी किसानों के खेतों तक, जो कि पहाड़ों पर बसा हुआ है, जो लिफ्ट करके पानी नहीं ले जा सकता, वहां तक योजनाएं हमारे शासन की बनाई जाए, ताकि आदिवासी भी इन योजनाओं का लाभ लें, और जो सीम लाइन है उसमें भी आदिवासी कहीं ना कहीं खड़ा रहे, अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारें। यही निवेदन आप सबके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री से करना चाहती हूँ। फिर भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री महोदया।